पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब पे लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए। वोहें गटीली आंखें गीली, लकड़ी सीली तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, भर कर भात बसाइए। रघुवीर सहाय की पंक्तियाँ आज भी जीवित होती हैं, जब कोई लड़की घर से बाहर निकलकर राजनीति के अखाड़े में अपना भाग्य आजमाती है। क्या कहते हैं अकबर के साथ शालिनी गोस्वामी, टोटल टीवी। सैंतालीस किलोमीटर बैठता है टोटल मेरी घर से लेके और देशबंधु जो कॉलेज है गोविंदपुरी के अंदर उसके गेट तक। सुबह उठता हूँ 4:30-5 कॉलेज के लिए, यहाँ से मैं मतलब 6 बजे ये सर्विस 107 की उसको पकड़ के सीधा आज़ादपुर, 2-2.25 घंटा तो मिनिमम, बाकी 2.5 घंटा तो लगता ही लगता है। हमारे इलेक्शन के अंदर हमारा कोई भी एमपी या कुछ नहीं आता, बीजेपी के कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। आप एक सिंगल पर्सन, सिर्फ स्टूडेंट का इलेक्शन है, स्टूडेंट का इलेक्शन है, कोई किसी को इन्वॉल्व होता ही नहीं है वो तो। हमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे कार्य में इंटरफेयर नहीं करती। एबीवीपी और भाजपा का क्या लिंक रहता है? बिल्कुल कुछ भी लेना देना नहीं। अगर हम डूसू की पर्ची बांटने के लिए 10 कार्यकर्ता स्पेयर करते हैं तो ये मान के चले हम डूसू की जीत हमारी निश्चित है। अगर उनमें 10 लोगों को काम किया ये भी उनको एक्सप्लेन करना, कॉलेज के गेट के पास खड़े होना, अपना डिपार्टमेंट है, मैंने ऑनर्स से हूँ, हिंदी ऑनर्स हूँ, हिस्ट्री ऑनर्स हूँ, या ऑनर्स के विद्यार्थी हेलो हाय उसके बातचीत करते हुए दोस्त है तो गले में हाथ डालते हुए उसे जाना, बातचीत करना, भाई डूसू हमारे ये 4 लोग हैं, उसके हाथ में पर्ची देना, उसके इस जेब में डालना, उसके इस जेब में डालना, बात करते 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 उसके हाथ में भी धमा देना। और क्योंकि कॉलेज में जैसे ही घुसते हैं तो टीचर पर्चियाँ कई बार निकाल देते हैं हाथों में जो होती है, इसलिए अपने उसकी जेब में भी पर्ची रहे इसकी हमने चिंता करनी है। नहीं चलो, हाँ कई विद्यार्थी परिषद के ऑफिशियल लोग, मैं विद्यार्थी परिषद कोई बड़ा नहीं, आप ही चलो, नहीं चलो आप दो बेटे स्टूडेंट्स है ना, आप भी मीटिंग में थे, सबको एकजुट होकर के काम करने के लिए कहा है, एवीपी को जिताने के लिए कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं। मैं महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी। कहीं इसमें नहीं है कि ये बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, ड्यूसू एक विश्वविद्यालय की राजनीति भारतीय राजनीति का एक हिस्सा बन जाए, बुराई इसमें नहीं है, यहाँ से बड़े बड़े लोग जाए तो इसमें बुराई नहीं है, बुराई वहाँ शुरू हो जाती है जहाँ की भारतीय राजनीति में जाने के लिए एक ये सीढ़ी हो जाती है। सीढ़ी तो ठीक है, आप यहाँ से होके जाइए लेकिन उस सीढ़ी का आप उचित ढंग से इस्तेमाल कीजिए, कोई उचित कोई ढंग नहीं। सीढ़ी है बहुत ही अच्छी बात है, आप इसको एक सीढ़ी की तरह यूज जीत जाएंगे तो एक डीजे पार्टी होगी, विजयनगर में एक रेन डांस होगा, लड़के लड़कियां वहां भींग कर डांस करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, और उस रेन डांस में आप और हम भी जाएंगे। हाँ क्यों नहीं जाएंगे, वो रेन डांस देंगे अपने, तभी स्कोरी बात का फायदा क्या, बंद कर देते हैं बात को। इसको सर एक तरह से बिजनेस बना दिया आज के टाइम में, क्योंकि बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं उनको जॉब तो मिलती नहीं है, तो सबने सोचा हुआ है कि पहले इस पॉलिटिक्स को भी एक बिजनेस की तरह लेते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, 50,000 लगा रहे हैं, फिर कॉलेज से 1,00,000 रुपया निकाल रहे हैं, उस टाइप से मतलब उसको बिजनेस की तरह डील करते हैं। कांग्रेस एंड इट्स विंग्स, वी आर ऑलवेज इन द बिजनेस ऑफ लीडर मेकिंग। और अब दूसरे पेशों की तरह ही नेता बनने के गुर इंस्टीट्यूट में सिखाए जा रहे हैं, पुणे में ऐसी एक कोशिश की है महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। एज योर गेस्ट प्रोफेसर I will give you some important tips of becoming a successful politician. Okay, what is the most important thing a politician must always carry in his pocket? Pen, sir? Wrong. Try again. Oh, hanky. Do I sweat? No. Answer is resignation letter. Always to be carried in pocket. अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं, उम्र आपकी 35 साल से कम है और जेब में 3.5 लाख रुपया है, तो ये संस्था आपको सिखाएगी कि नेता कैसा बना जाता है। पुणे से इम्तियाज जलील, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आगे।
अगर मेरे को आप लोग सपोर्ट करते हो, आधी रात को भी कहोगे तो मैं यहाँ खड़ा मिलूंगा। मैं दिमाग से यही विनती करता हूँ कि वोट दे प्लीज। इसके बाद मैं लिखा हूँ, हम सोचेंगे विश्व सोचेगा, हम बदलेंगे विश्व बदलेगा, हम सुधरेंगे विश्व सुधरेगा। मार्क्स ने कहते हैं, दार्शनिकों ने संसार की केवल व्याख्या प्रस्तुत की है, पर सवाल है इसे बदलने का है। वो शादी के बारे में जो था वो प्रपोजल आपका, मैंने बोल दिया, बोल दिया वो, बोल दिया। अभी इतना तो बहुत है भैया। पब्लिक तो इसको फालतू समझती है, स्टूडेंट वो तो जस्ट ऐसे ही आते हैं, टाइम पास है, क्लासेस नहीं होती है, बंक मारने का मौका मिलता है। बैन तो नहीं, लेकिन बैन तो हो भी नहीं सकता, बैन तो हो ही नहीं सकता, बैन हो ही नहीं सकता। ये हमारी कंट्री का जो स्ट्रक्चर है वो ही ऐसा है, बैन तो कर ही नहीं सकते हम। बड़ी बड़ी कांग्रेस है, बीजेपी है, ये इनको हैंडल भाई हो जाएगा, कंट्री वाला हाल हो जाएगा। 35 टू 40 लड़ेंगे कमिंग कुछ इयर्स में, देखना 30 टू 40 पार्टीज लड़ेंगे। यही होना, पी एस ओ है, कोई डी एस ओ आएगा, फिर एन एस ओ आएगा, कल मैं कुछ ठाल वो कोई वो बना लिया करता था। वहाँ पे छात्रों ने इस पर बात की कि किस तरह से वर्ल्ड बैंक जो है उनकी रिपोर्ट में लिखा गया है कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म, कैंपसों में राजनीति, ये बहुत खराब चीज है, इससे पढ़ाई लिखाई खराब होती है। छात्रों को बहस करने का अधिकार होना तो चाहिए, लेकिन संगठन बनाने का, प्रदर्शन करने का और आंदोलन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये लोग जानते हैं कि छात्रों का आंदोलन जो है ये फीस वृद्धि के खिलाफ, वर्ल्ड बैंक द्वारा थोपी गई बेरोजगारी की नीतियों के खिलाफ जिसको हमारी सरकारें लागू कर रही हैं, इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। और तब क्या होगा, जादवपुर से लेकर जेएनयू तक, राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेकर के बिहार तक, हर जगह की कहानी यही है। बीएचयू और जामिया में यही कहानी है कि आंदोलन कीजिए तो पुलिस लाठी लेकर के तैयार है आपके आंदोलन को दबाने के लिए। ज़्यादा बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन बताएंगे कि वो यूनियन क्यों नहीं बनना चाहता। देखिए, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है, अगर ये राइट्स उन लोगों ने हमारा छीना है, हमसे पूछने से बेहतर ये है उन लोगों से पूछा जाए कि हमारा राइट्स क्यों उन लोगों ने छीना है। सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हो रहे हैं, जेएनयू में इलेक्शन हो रहे हैं, जामिया में आखिर क्यों नहीं? जब कई बार वो वादा कर चुके हैं, सर हर साल वादा करते हैं। ऑफिस कहाँ है आपको पता है? ऑफिस कहाँ है? पुलिस स्टेशन, राइट साइड ऑफ द पुलिस स्टेशन। नो, आज तक की बात है, सामने जाओ भाई, ये देखो, अरे भाई सामने जाओ, अरे भाई सामने जाओ,
छावनी को देख लीजिए, छावनी बना दी जाती है यहाँ पे स्टूडेंट की आवाज दबाने के लिए, हम लोगों को दफन करने के लिए, कि कोई अपनी मांग ना उठा सके, डिमांड ना उठा सके, और ये छावनी और बड़ी कर दी जाती है। अभी देखिए बीएसएफ की गाड़ी आएगी, देखिए जामिया कैंट, इंडियन। एक्चुअली में जो स्टूडेंट्स की डिमांड है वो चुनाव के बिना जो है संभव नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब कोई स्टूडेंट किसी अथॉरिटी के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले अथॉरिटी का एक क्वेश्चन डायलॉग होता है कि आर यू लीडर, और दूसरा क्वेश्चन होता है हु आर यू। 6 साल के कैंपस में आज तक चुनाव कैसा होता है देखा ही नहीं, इसलिए चुनाव से क्या फ़ायदा होगा, स्टूडेंट यूनियन से क्या फ़ायदा होगा वो भी मुझे मालूम नहीं। शायद अच्छा फ़ायदा होगा, इसलिए हर जगह होता है, और हम लोग इसलिए डिमांड करते हैं कि वो यहाँ भी इलेक्शन हो, हमारे डेमोक्रेटिक राइट का मतलब एक्सरसाइज किया जाए। अपने में ही भगत सिंह को, भगत सिंह कॉलेज अपने नाम में ही बहुत बड़ी मिसाल है। हाँ। अगर चाहता तो वो आजाद हो सकता था उस टाइम, बम फेंके वो निकल सकता था। आपको कैसे पता आजाद हो सकता था? चांस थे इसके पास। उधर भी वही बात आती है, पैसे, ब्रिटिश हैव मनी सम माइंड एंड ऑल द थिंग, बट उसके पास उस टाइम कुछ भी नहीं था भगत सिंह के यार, इसलिए उसने कुछ नहीं किया, उसकी जो डिमांड्स थे सब कुछ रह गए। गांधी नेहरू की तरह उसने ये तो नहीं किया कि उसे राजनीति में आना, अब नेहरू की फैमिली देख सकते हो अभी तक है, ठीक है। और जो भगत सिंह था उसने लड़ा, सच्चाई के लिए लड़ा, वो चाहता था किसी को जगाया, ठीक है, देश की जनता को जगाना चाहता था, और कुछ नहीं। लेकिन बदलेगी नहीं, भगत सिंह नहीं है ना, फिर कोई भगत सिंह नहीं है यहाँ, किसी हिम्मत नहीं है। सोचते हैं 1 साल है, निकल गया, चलो निकल गया, कोई सोचता नहीं उसके बारे में, और हमें करना क्या है, हम पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं कॉलेज में पढ़ाई करने, फिर तो वो 2 दिन के बाद उसका भी नतीजा नजर आ जाएगा। यानी तो उसे मार दिया जाएगा, यानी तो उसकी आवाज दबा दी जाएगी, यानी तो कुछ मनी दे दिया जाएगा उसे। एक बार नारा लगा दो, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, सिंह सिंह भगत सिंह, सिंह सिंह भगत सिंह, सिंह सिंह भगत सिंह। For the post of president and for the post of Mr. Trilok Kumar, Chief Minister Trilok Kumar, help us! कोई भी डिग्री आपको रोटी नहीं दे सकती,
कोई भी डिग्री, हर जगह कंपटीशन है, एक साथ लाखों लोग बैठते हैं कंपटीशन में, जो भूखों मरेंगे वो हथियार उठाएंगे, सीधी बात।